Hello and welcome back to the another video. In this video, I'm going to talk about which of the foods you can eat during rainy season. कौन सी चीजें हैं जो रेनी सीजन के दौरान आप खा सकते हैं? अभी सब लोग सोचेंगे कि समर सीजन तो अभी जाने वाला है, अब आने वाला कौन सा है? रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? अगर आपको जानना हो कौन से फूड अवॉइड कर सकते हैं इन रेनी सीजन में, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि रेन जब आता है तब अलोंग विद बैक्टीरिया और जर्म्स भी लेकर आता है। इसके लिए ज्यादा चांस होता है डिजीज और इन्फेक्शन होने की। इसके लिए अपने आप को फिट रखो, स्ट्रॉन्ग करो अपने इम्यून सिस्टम्स को और हाइड्रेट रखो अपने आप को। चलिए बात करते हैं कौन से फूड्स को खानी चाहिए इन रेनी सीजन में। इसमें आता है सीजनल फ्रूट्स। चलिए देखते हैं कौन कौन से फ्रूट्स हैं। पहला आता है एप्पल यानी सेब। दूसरा आप खा सकते हैं जामुन। और अगला आप खा सकते हैं लीची। चौथा आप खा सकते हैं पल्प यानी बेर। पांचवा आप खा सकते हैं चेरी। अगला आप खा सकते हैं पीचेस यानी आड़ू। सातवां आप खा सकते हैं पपाया यानी पपीता। अगला आप खा सकते हैं पियर्स यानी नाशपाती। लास्ट आप खा सकते हैं पोमग्रेनेट यानी अनार। इन सभी में विटामिन ए, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होता है। और आगे हम बात करेंगे वेजिटेबल्स की। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है बॉटल गॉर्ड यानी लौकी। दूसरा आता है बीटर गॉर्ड यानी करेला। तीसरा आता है पॉइंटेड गॉर्ड यानी परवल। अगला आता है रिज गॉर्ड यानी तोरई। पांचवा है इंडियन स्क्वॉश यानी टिंडा। छठवा आता है एलिफेंट फुट याम यानी सुरन। आखिरी में आता है कुकुम्बर यानी खीरा। अब हम बात करेंगे स्पाइसेस की। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। पहला आता है गार्लिक यानी लहसुन। और दूसरा आता है टर्मरिक यानी हल्दी। और तीसरा आता है जिंजर यानी अदरक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड एट द लास्ट, थैंक फॉर वॉचिंग गाइस।